हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 है इसका सॉल्यूशन। साथ ही साथ हम पहले सीखेंगे कि जो आपको वैल्यूज़ याद करनी है, जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है, तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन्हीं एंगल्स पे हमें इनकी वैल्यूज याद करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ए, तो यहाँ पे ए की जगह अगर आप 0 डिग्री रखोगे, यानी कि साइन 0 कितना होता है, 0। इसी तरह से अगर आप ए की जगह पे 30 रखोगे तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज हैं, यानी कि साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। ठीक, अब यहाँ पे एक बात याद रखो कि अगर आपको यहाँ पे साइन की वैल्यूज याद हो जाती हैं, यानी कि ये लाइन अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है, तब आप इन सबको आसानी से याद कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, तो मतलब हमारी जो मेन दिक्कत है वो ये है कि हम इसको कैसे याद करें। अब मैं इसको याद करने के आपको दो सिंपल से तरीके बताता हूँ। पहला तरीका आप सबको आता होगा, आप सबने देखा भी होगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम, ठीक है, अभी मान लो कोस को भूल जाओ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोस को भूल जाओ, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइन ए की। जो पहला तरीका है साइन के सभी मानों को याद करने के लिए इन कोणों पे, वो क्या है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, है ना। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका है हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर सबको हम 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, अभी साइन के लिए बता रहा हूँ मैं ये, कोस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 4, और फिर सबका अंडर रूट ले लो, ठीक है, सबका यहाँ पे वर्गमूल या अंडर रूट ले लिया हमने। अब देखो आपको वही वैल्यूज मिल जाएंगी जो यहाँ पे ऊपर लिखी हैं। जैसे 0/4 0 होगा, 0 का अंडर रूट लोगे 0 ही आएगा, ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 4 का हो गया 2, यानी कि फिर से देखो ये 1/2 ही आ गया। इसको काटोगे तो 2 × 2 = 4, 1/2, इसका वर्गमूल 1 का 1, ठीक है, 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 3 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, यानी √3/2, 4/4 कट के 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम साइन की सारी वैल्यूज, ठीक है, इस तरीके से याद रख पाएंगे, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, देखो यार ऐसे हम टेबल बनाने बैठेंगे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 / 4, तो यार क्वेश्चन जब करोगे, ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले लेगा आपका। इससे बढ़िया क्या है, आप थोड़ी सी मेहनत करो और कम से कम ये वैल्यूज तो याद कर लो यार। देखो इसको याद करना आसान है, ठीक है, कैसे, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की, ठीक है, बिना टेबल इस बनाए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ये याद हो जाएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ याद करो, अभी याद हो जाएगा आपको। देखो कैसे, एक सिंपल सी कहानी कि भाई जो साइन थीटा है या साइन ए है, ठीक है ना, इसकी कहाँ कहाँ पे वैल्यू याद करनी है वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। भाई कोई भी ले लो, ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, आपको 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इन पे याद रखनी है। तो साइन पहले क्वाड्रेंट में, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री में जब जाते हैं, तो यहाँ से ये बढ़ता रहता है, क्या करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो शुरुआत में देखो, शुरुआत में, ठीक है, साइन 0 सबको याद हो जाता है, साइन 0 0 होता है, सबको याद हो जाता है, साइन 90 1 होता है, ये भी सबको याद हो जाता है। कभी भी कैलकुलेशन कर रहे होगे ना आप, तो यहाँ पे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि साइन 0 कितना हुआ, 0, साइन 90 कितना हुआ, 1, यानी ये 0 से बढ़ता हो गया 1 तक, ऐसा मान के चलो, एक कहानी बना लो अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये शुरुआत हुई 0 से, यहाँ पे 1 पे आके एंड हो गया, ठीक। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है, ये सबको याद हो जाता है, आराम से दिमाग में सोचो साइन 0 0, साइन 90 1। फिर आपको क्या करना है, देखो एक कहानी बनाओ कि पहले हम सिंपल नंबर सीखते हैं, गिनती जब हमें पढ़ाई जाती है, पहले हम सिंपल नंबर सीखते हैं काउंटिंग में, फिर अपने पास आती है भिन्न यानी फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ऐसे याद करो, फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी 1/2, इतना भी सबको याद हो जाएगा कि एक जगह 1/2 था, एक जगह 1/√2 था, एक जगह √3/2 था, ये सबको याद हो जाता है, लेकिन वो 30 पे था या 60 पे था, यहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक बार इतना दिमाग में फिट कर लेना कि फ्रैक्शन कौन कौन सी है, 1/2, 1/√2, √3/2, अब कहाँ कहाँ पे है, कैसे करोगे, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लिया, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं, तो 1/2, फिर समझ लो इसी 2 को रूट में लिख देना यार, यही जो 2 लिखा हुआ था इसको रूट में लिख दो, वर्गमूल में लिख दो, ठीक है। यानी कि हम सिंपल भिन्न पढ़ते हैं, सिंपल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर रूट वाली पढ़ते हैं, और उसके बाद इस रूट से थोड़ा और ज्यादा आगे गए तो √2 के बाद √3 समझो मिल गया आपको, बस हो गया, ठीक है। अब देखो अपने दिमाग में फिट करो, साइन 0 कितना, 0, फिर हमने भिन्न वाला पढ़ा यानी फ्रैक्शन पढ़ी, साइन 30 1/2,
फिर साइन 45 उसी दो को रूट में डाल दिया, एक बटे रूट दो, फिर साइन 60 रूट तीन बटे दो, साइन 90 तो एक होता ही है। फिर अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, अब डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से। देखो अगर आपको ये याद हुआ तो आपको सब याद होगा। आप साइन की बात डायरेक्ट करते हैं, देखो साइन 0 हमको याद है 0, साइन 90 हमको याद है 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। साइन 30 की बात करेंगे, सिंपल सा फ्रैक्शन 1/2 आया था, 45 पे तो 1/√2, ठीक है। 60 पे वही चीज़ √3 / 2, सबको याद हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे याद करो या 0 1 2 3 4 / 4 वाले तरीके से याद करो, मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या, जब आपको कोस लिखना है तो जो आपने 0 1/2 1/√2 इधर से लिखा था, आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ से 0 लिखो जो आपने इधर लिखा था, फिर 0 के बाद 1/2 लिखा था, इसमें उल्टा चलना है, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर √3/2 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो साइन 0 होता था वो साइन कोस 90 होता है, जो साइन 30 होता था 1/2 वो कोस 60 होता है 1/2। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। टेन याद करना बहुत ईजी है, ठीक है, टेन याद करना बहुत ईजी है। एक तरीका तो ये है कि भाई साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा करोगे आपको टेन थीटा मिलता है, लेकिन वैसे याद मत करो, ठीक है। आप सिंपली क्या याद कर लो, पहले दो वैल्यू याद कर लो, टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3 होता है, बस ये दो वैल्यू याद कर लो, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, साइन बाई कोस 0/1 0, इनको डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ डिवाइड करके मत करो, और उसमें टाइम लगेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। आप सीधा याद रखो कि टेन 30 1/√3 होता है। उसके बाद जब 45 और 60 आएगा ना, इसका 1 जो है ना उठा के यहाँ लिख दो, यानी इसकी वैल्यू आ गई, और जो इसके नीचे लिखा है इसको उठा के यहाँ लिख दो, यानी कि 1 जो ऊपर वाला था यहाँ रख दिया उठा के, और जो √3 इसके नीचे था वो वहाँ रख दिया उठा के। तो ये टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई, टेन 60 की वैल्यू √3 हो गई, ठीक है। और जो यहाँ बचा ये होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है, तो वहां पे वो अपरिभाषित लिख लेना। टेन आपको याद हो गया, टेन जैसे याद हुआ कोट उसका उल्टा, ठीक है। यानी कि जहां पे टेन 0 था वहां पे कोट अपरिभाषित होगा, जहां पे टेन 1/√3 था कोट उसका उल्टा होगा, यानी √3/1 यानी √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा, जहां पे वो अपरिभाषित था वहां पे 0, मतलब जहां पे 0 था ये अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड होगा, और जहां पे 1 डिफाइंड था या अपरिभाषित था वहां पे वो 0 होगा, ठीक है, इतना याद हो गया। इसी तरह से कोस का उल्टा सेक होता है, तो जब 1 का उल्टा 1/1, 3/2 का उल्टा 2/3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0 अपरिभाषित समझ लो, डिवाइड बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप जो एक कोसेक है ना, ये साइन का उल्टा कर दो यार, ये मिल जाएगा आपको, ठीक। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से याद कर सकते हो, चाहे जो भी तरीका आपको सही लगे, कैसे भी याद करो, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें इनकी वैल्यूज इवेलुएट करनी है। अब हमने साइन 60 साइन 30 ये सब चीज़ें याद कर ली, तो अब हमें उनको यहाँ पे पुट करना है और कैलकुलेट करना है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखो, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो साइन 60 है ये कितना होता है। अभी मैंने आपको याद कराया था कि भाई साइन 60 का मतलब होता है √3/2 इनटू में कोस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, क्योंकि जितना साइन 60 होता है उतना ही कोस 30 होता है, प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा भाई 1/2 इनटू कोस 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करो, √3 × √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, देखो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तब हमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना कि एलसीएम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सीधे यही लिखो नीचे, और ऊपर जो भी हो रहा है वो कर दो, प्लस हो रहा तो प्लस, माइनस हो रहा तो माइनस, 3 + 1 = 4। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हो जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक। तो 4/4 का मतलब कितना हो गया 1, ठीक है ना, 4/4 = 1, इसको कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1/1 यानी कि 1। तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। अब यहाँ पर देखो जो इसका ये दूसरा हिस्सा है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक। इसका हमें वैल्यू इवेलुएट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की जगह 2, 1045 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो भी 1045 होता है उसका क्या करना है, स्क्वायर। 1045 मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना √3/2
ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। माइनस में साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो यार, ये दोनों चीज़ें तो सेम है, रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस हो रहा है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस हो गई, जीरो हो गया। ये कितना आंसर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 इंटू में 2 यानी कि 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की। देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है यहाँ पर, ये मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर देखो cos 45, जो cos 45 होता है ये कितना होता है, 1 डिवाइड बाई रूट 2, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, sec 30, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, रूट 3 बाई 2 को पलट दिया, प्लस cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा कर दो, sin 30 कितना होता है, 1 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई 1, ठीक। इसके बाद देखो जो भी ऊपर है 1 बाई 2 ऐसे छाप दो यहाँ पे, 1 बाई रूट 2, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो यार, या तो एलसीएम लेके करो, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, रूट 3 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, और इनका नीचे आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी रूट 3 बन जाए रूट 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो एक फ्रैक्शन, उसके नीचे फिर से एक फ्रैक्शन, तो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जैसे x डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई w डिवाइड बाई p हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसी रहने दो और नीचे वाली को उलट के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो w बाई p है इसकी जगह p ऊपर और w नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसी रहने दो, 1 बाई रूट 2 ऐसी रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको उलट के, यानी कि रूट 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और जो ये चीज़ है ये रूट 3 के नीचे यहाँ पर, ठीक है, 2 प्लस 2 रूट 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंटू में रूट 3, रूट 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू में रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो साथ में रहेगा ही रहेगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जैसा कुछ करते थे हम, याद आया आपको, तो वही कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह बस माइनस लिखना है, ठीक है, यानी कि 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3, 2 रूट 6, ठीक है। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी है इसी चीज़ से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ रूट 3 इंटू में 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, रूट 3 रूट 2 रूट 6, यानी कि 2 रूट 6 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18, साथ में 2 भी है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये तो सीधा सीधा 2 रूट 2 ए की जगह पे है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में b की जगह क्या है 2 रूट 6, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऊपर देखो क्या है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन ले लो, अंदर यहाँ बच जाएगा रूट 6, माइनस में यहाँ बचेगा रूट 18, ठीक है। लेकिन जो रूट 18 है इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, जो रूट 18 है इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, कैसे, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3, 2 जा 6, 3 जा 18, क्योंकि जो रूट 18 है इसको हम लिख सकते हैं 2, 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बना वो यहाँ पे अंदर रह जाएगा, तो रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 18 ना लिख के इसको मैं लिख रहा हूँ 3 रूट 2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 2 जाए 8,
जिसको समझ में नहीं आया फिर समझ लो। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, ये दोनों चिपका के लिखे मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4 2 जा कितना 8, ठीक। इसी तरह से 2 का स्क्वायर हो गया 4, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 6 यानी 24, ठीक। यहाँ से आ जाओ अब, देखो पहली बात नीचे कुछ ना कुछ माइनस में बच रहा है, कितना माइनस का 16, नीचे अगर माइनस में बच रहा है तो हम माइनस से माइनस काटना चाहेंगे तो ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लो, ठीक है। 2 तो पहले से था माइनस और बाहर निकाल लिया तो उससे हो गया निशान बदल जाएंगे, यानी ये 6 जो है रूट में ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, माइनस से माइनस गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 16 कितना बचा है 3√2 माइनस में √6 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया इसका। अब देखो जो इसका चौथा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, इसमें क्या है साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस में 10 45 यानी कि 1 माइनस में cosec 60, ठीक है। cosec 60 कितना हो जाएगा साइन 60 का उल्टा यानी कि 2/√3। फिर ये जो डिवाइड है इसकी जगह ये रहा। अब देखो sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा यानी 2/√3 प्लस में cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस में cot 45 कितना होता है 1। अब इसके बाद देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। अब देखो ये जो डिवाइड है ना ये मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब इसके नीचे की चीज़ मत देखना अभी, सिर्फ इसके ऊपर वाला हिस्सा देखो। इसके ऊपर क्या है 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 समझ सकते हो, तो 2 1 और √3 कैल्शियम 2√3 मान लो, कुछ ना समझ में आए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो अब क्या होता है, हम इसका टेबल इसमें पढ़ते हैं कितनी बार जाएगा, ठीक है, जो भी नीचे है अभी इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ तो ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर। अब क्या होगा, इसका टेबल हम देखेंगे इसमें कितनी बार जाएगा, जब भी आपको समझ में आए टेबल कितनी बार जा रहा है तो देखो क्या कट रहा है, नीचे वाले से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, मतलब 2 का टेबल 2√3 में √3 बार जाएगा, तो यानी √3 बार गया तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3, ठीक। फिर 1 का टेबल तो यार किसी में भी पढ़ो उतनी बार ही जाता है, यानी 2√3 बार, तो 2√3 ऊपर भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 हो जाएगा। माइनस √3 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा पता लगाने के लिए क्या करो, जो कट रहा है वो काट दो मन में, ऐसे काट के दिखाना नहीं है, मन में रखना है, ठीक। √3 से √3 का 2 बचा, तो 2 इंटू में 2 यानी 4, ठीक है, 2 बचा ऊपर भी 2 है तो 2 इंटू 2 4, इतना समझ में आ गया। अभी ये सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व हुआ था, अब आपको कहाँ पे फोकस करना है, अब आपको फोकस करना है ऐसे ही नीचे, यानी इस लाइन के नीचे, ठीक है, इस हिस्से पे देखो। यहाँ पर फिर से कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो, 1 2 और √3 क्या हो जाएगा 2√3, ठीक। अब देखो √3 से √3 बार चला जाएगा यानी 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो 2 इंटू में 2 यानी 4 हो गया, प्लस 2 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा पता लगाने के लिए 2 से 2 काटो, क्या बच रहा है √3 बार, √3 इंटू ऊपर क्या है 1√3 हो गया। फिर 1 का टेबल तो इतनी बार ही जाएगा, 2√3 ऊपर भी है क्या है 1, ठीक है। तो मतलब इतने को जब हमने सोल्व किया तो हमें ये सारी चीज़ मिली है, ठीक। चलो अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो √3 प्लस में 2√3 कितने √3 हो गए 3√3। जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करे, इसको x समझ लो, ये 1x तो ये 2x, तो 2x और 1x 3x होते हैं, 3x x की जगह √3, ठीक। माइनस में कितना है 4, अच्छा एक काम और करो, इससे ये कट जाएगा, इसके नीचे 2√3, इसके नीचे 2√3, ये कट गया, ठीक है। तो जब ये कट जाते हैं तो इसके नीचे ये सीधा लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो
रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, ये भी कितना हो गया थ्री रूट थ्री, और ये जो फोर था मैंने बाद में लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको सिंपली क्या करना है, फिर से यार डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कि थ्री रूट थ्री प्लस फोर है ना, तो इसको थ्री रूट थ्री माइनस फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखोगे कि ये वाला ब्रैकेट और ये भी जो ब्रैकेट के अंदर सब कुछ सेम है, तो यानी कि ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यानी कि ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी की जगह फोर है फोर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी, ए की जगह क्या है थ्री रूट थ्री, बी की जगह क्या है फोर। नीचे देखो यार थ्री रूट थ्री का क्या स्क्वायर होगा, थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, यानी कि इसका स्क्वायर करके आया ट्वेंटी सेवन माइनस में फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। तो देखो यार अभी हमने थ्री रूट थ्री का स्क्वायर किया ट्वेंटी सेवन आया, तो इसका भी स्क्वायर करके मतलब ट्वेंटी सेवन आएगा, प्लस में फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस में टू थ्री या सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, साथ में रूट थ्री भी, ये सब तो ऊपर से आया, नीचे पहले से क्या है ट्वेंटी सेवन माइनस इलेवन कितना बचेगा, ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन कितना बचेगा इलेवन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करो कितना आया फोर्टी थ्री माइनस में ट्वेंटी फोर रूट थ्री डिवाइड बाई इलेवन, ठीक है। तो ये हिस्सा भी हो गया यार। अब देखो इसका आखिरी हिस्सा जो है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, कितना आएगा फाइव कोस सिक्सटी का स्क्वायर है, कोस सिक्सटी कितना होता है वन बाई टू, स्क्वायर कर दो प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी, सेक थर्टी कितना होता है कोस थर्टी का उल्टा, ठीक है, तो सेक थर्टी रूट थ्री बाई टू, यानी कि टू बाई, यानी कि टू डिवाइड बाई रूट थ्री स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव वन होता है, वन का स्क्वायर कर दो ठीक, डिवाइड बाई, नीचे तो वैसे भी देखो ये वन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम हो तो ये वन हो जाता है, लेकिन अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो अभी मैं इससे नहीं कर रहा, सीधा वैल्यू इसे ही कर रहे हैं, साइन थर्टी वन बाई टू उसका स्क्वायर, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू उसका स्क्वायर, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, यहाँ से देखो फाइव इंटू में वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाई टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर, टू का स्क्वायर हो गया फोर डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाई, ये हो जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर, ये रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ से देखो फाइव वन जा फाइव डिवाइड बाई फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन डिवाइड बाई थ्री माइनस वन डिवाइड बाई वन बाई फोर, थ्री बाई फोर फोर बाई फोर हो गया, ये कट के वन ही हो गया, नीचे वन लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, मतलब इसको सोल्व करना है आपको, नीचे तो वन बन चुका है ठीक। तो यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो वन समझो, फोर थ्री और वन का एलसीएम ले लेना ट्वेल्व आ जाएगा, नीचे वन मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, फोर का टेबल थ्री में जाएगा ट्वेल्व में थ्री बार जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, थ्री फोर जा ट्वेल्व फोर इंटू सिक्सटीन सिक्सटी फोर, वन का टेबल ट्वेल्व बार जाएगा ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, दोनों को जोड़ोगे सेवेंटी, इन दोनों को ठीक है सेवेंटी नाइन माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई ट्वेल्व, माइनस करोगे कितना सिक्सटी सेवन डिवाइड बाई ट्वेल्व, ठीक है ये भी हो गया। अगला देखो क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ठीक है, चलो देखते हैं एक एक पार्ट ठीक है, जो इसका पहला हिस्सा था वो मैंने यहाँ पर उतार लिया। इसमें देखो टू टेन थर्टी
देखते हैं क्या आएगा इसमें। 2 tan 30 degree डिवाइड बाय 1 plus tan square 30 degree, ठीक है। तो यार देखो 2 into में 10 30 है ना, 10 30 क्या होता है 1/√3, तो इसकी जगह लिख दिया 1/√3 डिवाइड बाय 1 plus tan square 30 है, यानी कि जो भी है 10 30 की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 into 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 1 plus 1 square 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यहाँ से 2/√3 अपनी जगह डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 बन जाए 3 plus 1 यानी 4/3। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2/√3, देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है मतलब इसको उलट के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4 और अब आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो 2 बन जाए 2 और √3 से 3 को काटोगे √3 बचेगा। जिसको नहीं समझ में आया समझ लो, देखो यहाँ पे 3 था नीचे √3 था, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 into 3, ये 3 के बराबर होता है। 3 को क्या लिखा सकता है √3 into 3, ठीक है, और नीचे क्या है नीचे है √3। तो मैंने इस 3 की जगह √3 into 3 लिख दिया और ये √3 देखो ये रहा, अगर √3 से इसको काटो तो क्या बचेगा √3। इसका मतलब है यार सीधा सीधा इसको काट के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है वही किया मैंने। तो यहाँ से देखो क्या बचा, ऊपर बचा है √3 नीचे बचा है 2, यानी √3/2 आया है हमारा आंसर। अब जरा ऑप्शन देखते हैं मैच करके, रूट देखो यहाँ पे तो सब कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, तो हमें सोचना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, ठीक है ना, ये बराबर आप लिख सकते हो sin 60। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला देखो, अगला क्या है 1 minus tan square, देखो सीधा लिख दे रहा हूँ मैं 1 minus tan square 45, ठीक है 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 plus tan square 45, 10 45 फिर से 1, तो ऊपर आ गया 1 minus 1 0, नीचे आ गया 2 0/2 यानी कि 0। कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई, ऑप्शन डी, ठीक है ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है sin 2a बराबर 2 sin a किस एंगल के लिए होगा, ठीक है ये किसके लिए ट्रू है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किस एंगल के लिए ट्रू होगा, 0 के लिए। क्यों देखो 2 sin 2a, a की जगह रख दिया 0, कितना हो जाएगा ये sin 2 into 0 यानी sin 0, ठीक है तो sin 0 0 होगा। इस तरह से RHS में देखो हो जाएगा 2 sin a की जगह 0 रख के देख लो, चाहे 2 sin 0 कितना होता है 0, तो 2 into 0 वापस से कितना 0, LHS बराबर RHS यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 0। इनको रख के देख लो होगा ही नहीं बराबर, ठीक है इस पे ही होता है। अगला देखो 2 tan 30, ठीक है 2 tan 30, तो 2 tan 30 की सीधा वैल्यू रख दे रहा हूँ यार, ठीक है 10 30 की वैल्यू क्या 1/√3 डिवाइड बाय 1 minus tan square 30, 1 minus tan 30 का स्क्वायर, 10 30 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से देखो कितना हो गया यार ये 2 into 2/√3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 1 minus 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं इसके बाद 2/√3 अपनी जगह, नीचे क्या हो जाएगा 3 बन जाए 3 minus 1 2/3, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसी रहने दो, नीचे वाली को उलट दो यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 काटेंगे हमने देखा था √3 ही बचता है, कितना आया √3। √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है भाई 1060 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1060, 1060 कितना होता है √3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया 10a + b = √3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है।
टेन ए प्लस बी कितना दिया गया है रूट थ्री, और उसके बाद हमसे बोला गया है कि टेन ए माइनस बी बराबर है वन बाय रूट थ्री। ठीक है, जहाँ पे a प्लस बी जो है जीरो से बड़ा है, नब्बे से छोटा है, बराबर है a b से बड़ा है, तो ये सब क्या है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, और a बड़ा है b से तो a माइनस बी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव एंगल अभी हमने नहीं पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे चली जाएंगी चीज़ें तो कहानी थोड़ा बदल जाती है, वो आप क्लास इलेवन में पढ़ोगे। फिलहाल अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा मतलब एंगल जीरो से नब्बे के में ही है। तो यहाँ से देखो टेन ए प्लस बी जो है ना, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो इस तरफ क्या है, टेन है, तो आपको सोचना है कि जो टेन होता है किस एंगल पे रूट थ्री देता है, वही वैल्यू होगी ए प्लस बी की। तो हमें पता है यार टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है, टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री, तो टेन सिक्सटी का रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री की जगह मैं टेन सिक्सटी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं इतना लिखूंगा दोनों तरफ 10 है, अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रहा है सब कुछ, तो यानी कि अगर यहाँ पे 10 का 10 है तो एंगल भी बराबर होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर होना चाहिए 60। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि 10 a प्लस बी रूट थ्री है, जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है 10 60 रूट थ्री होता है, तो मतलब a प्लस बी की जगह 60 तो होना चाहिए था। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टेन ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हो, वन बाई रूट थ्री कब होता है टेन थर्टी पे, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रहा है सब कुछ भाई, अभी ए माइनस बी बराबर कितना आ गया थर्टी। ये हो गए अपनी इक्वेशन वन, ये हो गए अपनी इक्वेशन टू। यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड आउट करने थे, कर लो यार, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू ऐड कर दो, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। देखो एक तरफ क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 इक्वेशन वन, दूसरी इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, प्लस बी माइनस बी क्या, ए प्लस ए कितने ए हो गए दो ए, बराबर कितना आ गया 90, टू ए बराबर 90 मतलब ए बराबर 45, ए बराबर 45 आ गया, किसी में ही पुट कर दो, मान लो ए प्लस बी इक्वल टू 60 है, यहाँ पे a की वैल्यू 45 पुट कर दी, b की वैल्यू कितनी 45 माइनस जाएगा 15 बच जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना, सही है कि गलत है। तो यहाँ पर पहला हिस्सा क्या है, साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी होता है, नहीं हमेशा नहीं होता, हम बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों है यार, आप खुद ही करके देख लो। आप मान लो a की वैल्यू 30 मान लो, b की वैल्यू 60 ले लो, तो यहाँ पे LHS में साइन, ठीक है, LHS में साइन a प्लस बी है, a की जगह 30 और b की जगह 60 रख के देख लो, ये साइन 90 होगा, 60 प्लस 30 और साइन 90 होता है 1, यानी LHS में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। RHS में आ जाओ, RHS में देखो साइन ए है, साइन ए की जगह 30 रख दिया, प्लस में साइन बी है, बी की जगह 60 रख दिया, साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है रूट 3/2, इनको जोड़ के 1 नहीं आता है, तो LHS और RHS बराबर ही नहीं हुए, तो मतलब ये फॉल्स है ना, क्योंकि बराबर नहीं हो रहे, जबकि यहाँ बोल रहा है बराबर होगा। तो पहला हिस्सा समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हो गया, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस टू। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यही होता है, क्लास टेंथ में भी 0 से 90 के बीच का पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है, ठीक है, और कोस थीटा घटता है, जबकि इन्होंने इसको भी इंक्रीज करता हुआ लिख दिया है कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फॉल्स। ठीक है, चौथा क्या है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, हमेशा नहीं होता यार, ये तो हमने भी देखा हुआ है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 30 ले लो तो साइन 30 कोस 30 के बराबर थोड़ी होता है। ठीक, पांचों में क्या कह रहा है, कोट एज नॉट डिफाइंड फॉर एज इक्वल टू 0 ट्रू। ठीक है, हमने टेबल में भी देखा था डिफाइंड नहीं होता, या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं
कि भाई जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। अगर आप थीटा की जगह जीरो रखोगे तो यहाँ साइन जीरो बन जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है तो डिवाइड बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, यानी कि ट्रू है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।